हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्टेस आते हैं वो सारे के सारे एक एक करके कराऊंगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरीन से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, और हालांकि पूछता भी नहीं है। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल ईथर, आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक या फिर हो अमाइंस, तीनों चैप्टर के, तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो आपके केमिकल टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो आपको कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत इजीली और तीन नंबर फिक्स हो जाते हैं इससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में भी आते हैं, और ये नेम रिएक्शंस में भी कभी कभी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम देखिए, केमिकल टेस्ट सबसे पहला अल्कोहल फिनॉल ईथर में जो पूछा जाता है वो है लुकस टेस्ट। बेसिकली होता क्या है, किसी भी प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल को बेसिकली ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है कि दिस वन इज प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी और दिस वन इज टर्शरी। और आप लोगों को आई होप सो कि पता ही होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। ओके, तो यहां लिख लीजिएगा, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अल्कोहल को ही करता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अल्कोहल्स को ही। ठीक है, बाय यूजिंग लुकस रिएजेंट। इसको कभी कभी हम लुकास भी बोलते हैं, अपनी अपनी स्लैंग है, बोलने के एक्सेंट है। ठीक है, ओके, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो हम यहां ले लेते हैं बेटा आपका एक प्राइमरी अल्कोहल, यहां ले लेंगे हम आपका एक सेकेंडरी अल्कोहल, ओके, यहां ले लेंगे हम आपका एक टर्शरी अल्कोहल, और मैं फटाक से कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, ओके, क्या अलग से आपको दिखेगा। ओके, ठीक है, देखिए, तो प्राइमरी अल्कोहल इज CH3CH2OH, सेकेंडरी ऐसे ले लेते हैं जी, लीजिए, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी CH3CH3 वो सिंपलेस्ट वाले ले रहे हैं सारे के सारे। आप कॉम्प्लेक्स भी लेंगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा ना, हम सिंपलेस्ट वाले लेके चलते हैं, क्लियर। और रिएजेंट आपका जो लुकस का होता है वो लिख देता हूं यहां पे मैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस AlCl3, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस AlCl3, इसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस AlCl3, इसी याद रखिएगा। इन तीनों में जो एनहाइड्रस AlCl3 है उसका बस एक ही काम है कि वो बस एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को भगाएगा तेज, क्लियर। चलिए, ओके, तो एनहाइड्रस AlCl3 का एक ही काम है, और आपको पता है कि एनहाइड्रस AlCl3 जो होते हैं वो आपके एक तरीके के लुईस एसिड भी होते हैं। क्या होते हैं, लुईस एसिड, ओके। यहां पे हम इसको आयनाइज कर देते हैं, ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, कौन करेगा, HCl। ठीक है, इसमें नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, पॉजिटिव, चेंज कर दीजिए आयंस को, OH की जगह Cl आ जाएगा और Cl की जगह OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2Cl, और ये बन जाएगा आपका H2O, ये बन जाएगा आपका CH3CH Cl CH3, और ये बन जाएगा आपका H2O। ठीक है, ये बन जाएगा CH3 CH3 CH3, एंड ये Cl प्लस H2O। ठीक है, जो पहला वाला होता है ये प्राइमरी का जो प्रोडक्ट बनेगा, उसको ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी का जो प्रोडक्ट है वो आपका शो इंटरमीडिएट, क्या कहते हैं, टर्बिडिटी शो नहीं करेगा। टर्बिडिटी इज लाइक कि जैसे दूधियापन होता है ना, मिल्कीनेस, मिल्क जैसा दिखता है, तो उस तरीके से हम कहते हैं टर्बिडिटी बिल्कुल सेम एज मिल्कीनेस, दूध जैसा। ठीक है, तो प्राइमरी का जो प्रोडक्ट है इसमें आती है नो टर्बिडिटी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट करोगे, आफ्टर हीटिंग इट विल शो
शो टर्बिडिटी, शो टर्बिडिटी, स्पेलिंग आप लोग लिख लेंगे टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, ठीक है ओके। लेकिन जब सेकेंडरी वाले को आप लुकस से रिएक्ट कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें 5 मिनट बाद ही टर्बिडिटी आ जाती है, इसमें टर्बिडिटी, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। और इसमें इमीडिएट टर्बिड, इमीडिएट टर्बिडिटी, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को आप लोग कर सकते हैं, क्लियर है। इमीडिएट टर्बिड, तो ये है आपका लुकस, ठीक है ना। लुकस याद रखिएगा, लुकस टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को ही डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। इसके अंदर एक कैटलिस्ट है, वो है एनहाइड्रस AlCl3, ओके। अब आपका इसी चैप्टर का एक और आता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट ऑफ फिनॉल, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ध्यान से देखिएगा बेटा, सेकेंड है इसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपका दो चीजों पे यूज होता है, मैं लिख देता हूं, एक फिनॉल पे, दोनों एक साथ ही कर दूंगा, एंड एनिलीन, दोनों काम के इसके देते हैं, मतलब दोनों के दोनों ये टेस्ट को देते ही देते हैं, दोनों ये टेस्ट देते हैं, कंफर्म देंगे ही देंगे, ओके ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और ये जो एनिलीन है वो अमाइंस का है, और ये फिनॉल जो है आपका अल्कोहल फिनॉल इतर का है, लेकिन मैं एनिलीन को इसी में पढ़ा दे रहा हूं, जब अमाइंस का आएगा तो उस टाइम नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक ही है वो, बिल्कुल सेम, ठीक है। फिनॉल इज ये, दिस इज फिनॉल, फिनॉल, एनिलीन इज बेंजीन के ऊपर NH2। इसके अंदर हम डालते हैं क्या, 3Br2 एक्वस के साथ, ठीक है, 3Br2। अच्छा, इसके अंदर एक्वस लिखा है, इसके अंदर मैं वाटर भी लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं, अभी आप वाटर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें कितने Br हैं बेटा, 6। इसमें कितने Br है, 6। कौन कौन सी पोजिशन को ले लेगा, और दोनों ऑर्थो को और पैरा को, ठीक है। इन तीनों जगह पे 3Br लग जाएंगे, और तीनों जगह से एच हट जाएंगे, यहां से, यहां से, यहां से, तो तीनों एच हटेंगे पहले, 3H, 1, 2, 3, और इसके 3Br लेके भाग जाएंगे 3HBr, ठीक है। बचे कितने, 3Br, क्योंकि 3H और 3Br तो निकल गए, बचे 3Br, वो उन्हीं पोजिशन को एक्वायर कर लेंगे जहां से आपके एच निकले हैं, ये Br, 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 ठीक है। इसे कहेंगे हम 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, जो व्हाइट पीपीटी जैसा होता है बेटा, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी जैसा, ठीक है ना, व्हाइट पीपीटी। इसमें भी ऐसी है बिल्कुल, वही 3Br इन तीन पोजीशन को, इसको, 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 इसके एच लेके भाग जाएंगे, और 3H और 3Br क्या बन गए, 3HBr, ठीक है। और तीन बाकी के उसी जगह पे लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसे बोलेंगे 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जो व्हाइट पीपीटी जैसा होता है, ये भी दोनों व्हाइट पीपीटी शो करते हैं, ये भी और ये भी, क्लियर है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट दो ही चीजें शो करती हैं, एक आपका एनिलीन और दूसरा आपका फिनॉल, क्लियर बेटा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, इसमें बेसिकली तीन ही टेस्ट आपको मेनली पढ़ने हैं, एक पढ़ना है टॉलेंस, एक पढ़ना है आपको फेलिंग्स, और लास्ट पढ़ना है आपको आइडोफॉर्म। लेकिन इन तीनों में सबसे जो ब्रह्मास्त्र है वो है आइडोफॉर्म, याद रखिएगा, जहां पे कुछ नहीं लगता वहां आंख बंद करके आइडोफॉर्म का लगा दीजिए, लग जाता है आइडोफॉर्म, लग जाता है, क्लियर ओके। तो आपका थर्ड है टॉलेंस टेस्ट लेते हैं, टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है इसका, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को ही डिस्टिंग्विश करने के लिए आपका टॉलेंस टेस्ट यूज होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को, ध्यान से, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे ना दोस्तों को शेयर कर जरूर करिएगा, ठीक है बेटा, और वीडियो पे प्यारा से कमेंट करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो, ओके। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन को ही डिस्टिंग्विश करेगा, बस और किसी को नहीं, ठीक है। इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ठीक है। और इसके अंदर जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट मतलब ये देते हैं एल्डिहाइड्स
टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, लेकिन कीटोन नेगेटिव देते हैं, मतलब देते ही नहीं है, ठीक है। और कीटोन्स क्या होते हैं? नेगेटिव टेस्ट है, नेगेटिव, नेगेटिव टेस्ट, ठीक है, नेगेटिव, क्या नेगेटिव, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ओके, ठीक है। अब हमारा फोर्थ है इसका रिएजेंट क्या है, ठीक है, तो रिएजेंट इसका है, उसे कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट ऐसा होता है AgNH3 का ट्वाइस OH, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीके का, ध्यान देखोगे तो एक कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड है, जो आपको चैप्टर पहली बुक के लास्ट चैप्टर में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन तरीके का है, ठीक है। अच्छा, इसकी अब ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जो भी रिएक्शन होगी उसके प्रोडक्ट में आपका जो सिल्वर है इसके अंदर, जो रिएजेंट में आपको दिख रहा है ना, सिल्वर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा सिल्वर, ठीक है। सिल्वर भारी होता है और वो नीचे बैठ जाता है, सिल्वर भारी होने के कारण वो नीचे बैठ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा वो, और जो चांदी होता है वो शीशे जैसा चमकता है, जब बहुत सारी चांदी को देखोगे ना एक साथ तो रिफ्लेक्शन में बहुत अच्छा आता है, सेम एज मिरर, तो उसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AG इसको बोलेंगे सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, इसीलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, क्लियर। अब एल्डिहाइड कैसे देते हैं, और याद रखिएगा ये एक तरीके की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, याद रखिएगा दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर। अब देखिए, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास CH3CHO है, इसमें डाल दिया मैंने AgNH3 का ट्वाइस एंड OH, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, ऑक्सीडेशन भी कौन सा, इसका कार्बोक्सिलिक बना दीजिए, लेकिन कार्बोक्सिलिक में जो COOH होता है वो H ना रख के COO नेगेटिव रखिएगा, मतलब दो कार्बन का ही रहेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Ag, जो उसमें चांदी दिख रही है वो भारी होती है, 108 ग्राम पर मोल होता है, एक मोल का मास होता है 108 ग्राम, तो भारी है तो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। यही है सिल्वर मिरर, इसी की पहचान है सिल्वर मिरर, ठीक है। बाकी अमोनिया दिख रहा है, अमोनिया उड़ जाता है ऊपर और वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो इसकी ये पहचान है, किसी भी एल्डिहाइड में होगा, चाहे एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, ये आपका एलिफैटिक है, इसमें दे दिया, अब एरोमेटिक में भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, सपोज कहता हूँ कि भाई मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड, इज इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, ये एक तरीके का एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक, AgNH3 का ट्वाइस और OH, ठीक है। ये हो जाएगा COO नेगेटिव, ऑक्सीडेशन हो गया, Ag नीचे बैठा दो, इसी को बोलेंगे सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, क्लियर, सिल्वर मिरर, ओके, ठीक। और अमोनिया जो होगा, इस पे दिख रहा है अमोनिया, ये वाला, ये उड़ जाता है। बैलेंसिंग जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, या बैलेंस करो ना करो डजंट मैटर, बैलेंस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। NH3 अपवर्ड एरो, क्योंकि वो गैस उड़ जाएगी, प्लस वाटर, ठीक है, ये दिख गया आपको, क्लियर है बेटा। अब एक कीटोन पे भी दिखाते हैं कि कीटोन में कैसे होगा। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास आ गया नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर इज एसीटोन, चलो अब बोलो सर कि एक एरोमेटिक कीटोन भी दिखाओ, दो दिखाता हूं भाई, एक नहीं, चलो ये है आपका, ठीक है, दूसरा चलो एक और दिखाता हूं, इसका नाम है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, इसके कहते हैं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, रिएजेंट सेम है, यही वाले डाल दीजिए, तो क्या होगी, नो रिएक्शन, क्या होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्लियर। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वही टॉलरेंस देंगे, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, डजंट मैटर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इज Ag डाउनवर्ड एरो में सिल्वर मिरर, चांदी जो है वो शीशे जैसा चमकता है, क्लियर बेटा, ओके, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके फैलिंग्स पे, ठीक है, ठीक है। फोर्थ इज फैलिंग टेस्ट, फैलिंग्स टेस्ट, फैलिंग टेस्ट भी एल्डिहाइड और कीटोन को ही डिस्टिंग्विश करता है, लेकिन इसमें एक परेशानी ये है कि सारे के सारे एल्डिहाइड, सारे के सारे एल्डिहाइड फैलिंग को परफॉर्म नहीं करते, बस
एक ही तरीके के एल्डिहाइड करते हैं जो एलिफैटिक होते हैं, एरोमेटिक ये शो नहीं करते, ठीक है। तो इसमें याद कर लीजिए पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अच्छा सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड्स परफॉर्म फैलिंग्स टेस्ट, FT समझ जाओगे ना, फैलिंग टेस्ट, ठीक है। ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डज नॉट परफॉर्म क्या, फैलिंग टेस्ट को परफॉर्म FT नहीं करते, ठीक है। और इसका जो आपका वो है रिएजेंट है उसे फैलिंग कहते हैं, वो होता है COOH का ट्वाइस, इसको जब आप पानी में तोड़ते हो तो ये बन जाता है Cu2+, ये बन जाता है OH- 2 moles में, इसको फैलिंग सॉल्यूशन ए, इसको फैलिंग सॉल्यूशन बी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन आती है, क्या आती है, ऑब्जर्वेशन वो आती है रेड, इसकी Cu2O की रेडिश ब्राउन पीपीटी होती है। ये भी एक तरीके की क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो यहां दिखाता हूं, देखो ध्यान देखिएगा, सपोज मैंने ले लिया वही है CH3CHO, इसमें डाल दीजिए COOH का ट्वाइस, इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए वैसा ही सेम, CH3COO- CU2O+H2O, ठीक है। ये जो है ये होता है क्या, रेडिश ब्राउन पीपीटी, ठीक है। और कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन इसको परफॉर्म नहीं करेगा, क्लियर है, आई होप सो आप समझ गए, ठीक है ना। उसमें डाल दी कोई भी कीटोन आएगा तो ये रिएजेंट डाल के नो रिएक्शन, क्लियर, ओके। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पे, जिसका नाम है आइडोफॉर्म्स, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों आइडोफॉर्म को परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनमें कंडीशन होनी चाहिए, उसमें मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसमें लिख लो पहला पॉइंट ए, एल्डिहाइड एंड कीटोन both can perform क्या बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट but they must have मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप। अब मिथाइल कार्बोनाइल होता है, मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप, अब वो होता क्या है, वो होता है CH3 C double bond O, और ये वाला ग्रुप होना चाहिए उसमें, ठीक है। बी रिएजेंट होता है इसके अंदर, याद रखिएगा NaOH+I2, ठीक है, ये दे देगा, या फिर इसका इसके साथ HI निकल जाएगा और बचेगा क्या NaOI, ये दे देगा, या फिर ये दोनों एक साथ दे देगा, दोनों के दोनों आपके आइडोफॉर्म के रिएजेंट्स हैं, क्लियर है। मिथाइल जरूरी है इसके अंदर। अच्छा इसमें ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन जो होगी इसके अंदर वो होती है CHI3, जैसे कि दिख रहा है ये आइडोफॉर्म है, ठीक है, भारी होता है तो नीचे बैठ जाएगा, और ये येलो पीपीटी होता है, ठीक है। एक दिखाते हैं इसके अंदर, देखिए जरा, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास है ये इथेनल है,
ये है, इसके अंदर देखिए मिथाइल कार्बोनाइल है, दिख रहा है इसके अंदर। एक और ले लेता हूं, चलिए एक कीटोन ले लेता हूं, देखिए इसके पास भी है, इधर से भी है और इधर से लेंगे तो भी है, मैं वही वही दिखा रहा हूं। इसमें डाल दीजिए NaOI, ठीक है। तो होगा क्या, जो मिथाइल कार्बोनाइल है उसका जो मिथाइल है वो आई के साथ अटैक करेगा और बना देगा CH3। बैलेंसिंग मत याद करिएगा, और इसकी क्या होगी, येलो पीपीटी, ठीक है। आई CH3 के साथ अटैक करके बचा क्या, ONA, जहां CH3 था उसी जगह पे ONA लगा दो, C डबल बॉन्ड OH, O नेगेटिव NA पॉजिटिव, हो गया, बन गया ये कंपाउंड, बन गया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यही है इसकी, ये है आइडोफॉर्म, बन गया। इसमें भी ऐसे ही होगा, आई जो है इस वाले CH3 से या फिर इस वाले, क्योंकि इस साइड से मिथाइल कार्बोनाइल है, इधर से भी, मैं इसी को टारगेट कर लेता हूं, CH3 आई के साथ अटैक करके CH3 में कन्वर्ट हो गया, और ये सेम बचा क्या, ये CH3 गायब हो गया, बचा गया इसमें ONA, उस साइड लगा दो, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NA पॉजिटिव, बन गया, ठीक है। अब कोई भी, जैसे और एक और दिखाता हूं, देखो ये वाला कंपाउंड भी देखा, देखो आप लोग मुझे कंपाउंड में कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा कंपाउंड क्या बनेगा आइडोफॉर्म के साथ, ठीक है। और एक और दे देता हूं, ये हो गया, इसको भी करिएगा, ठीक है, इन सबको मुझे करके दिखाइएगा क्या बनेगा, क्लियर, ओके। तो ये आपका एल्डिहाइड कीटोन का भी हो गया। अब बचा आपका लास्ट, वो है हिंसबर्ग, लास्ट है आपका हिंसबर्ग टेस्ट। इट इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, याद रखना, ऐसे लिखता हूं, डिस्टिंग्विश फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है, बना लेते हैं लो। अच्छा हिंसबर्ग रिएजेंट लिख देता हूं पहले, ये होता है कुछ ऐसा, ठीक है, इसका फॉर्मूला C6H5SO2Cl, ये होता है, ठीक है बेटा। अब देखो किस तरीके से करना है, CH3NHH Cl, ये देखो प्राइमरी अमाइन है, ये लगा दिया मैंने आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी हो गया, पहचान तो आप लोगे ही, ठीक है, ये हो गया आपका टर्शियरी, कलर चेंज कर लेते हैं, सब में आपको HCl निकाल देना, देखो HCl, इसमें तो है ही नहीं, N के साथ H ही नहीं है, तो इसमें होगा नो रिएक्शन, क्या होगा नो रिएक्शन, N के साथ जो H लगा है और जो इस कंपाउंड रिएजेंट का Cl है वो HCl निकाल देना है, तो -HCl इसमें, -HCl इसके अंदर, जो प्रोडक्ट बनेगा ये S और ये N सिंगल बॉन्ड के थ्रू चिपक जाएंगे, और इस N के साथ जो ये H लगा है इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो किस में डिसॉल्व करेगा, ये ऑब्वियसली बेस में करेगा, तो ये वाला कंपाउंड जो है ये सॉल्युबल होता है इन बेस के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जब ये हटा दोगे N और S जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू चिपक जाएंगे, तो ये जाएगा ऐसे, ठीक है, इस पे देखो N पे है ही नहीं कुछ भी, तो ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन बेस, ये सेकेंडरी वाला इनसॉल्युबल और थर्ड वाले में रिएक्शन नहीं होती, तो ये पूरा का पूरा आपका वन शॉट में पूरे के पूरे डिस्टिंग्विश है, ओके। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा,
वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, ओके बेटा।